Hello students, we are solving exercise 8.2. So today we will try to solve question number 4. A, B, C, D is a trapezium in which AB parallel DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. Here you see diagram. Okay. A line is drawn through E parallel in AB intersect BC at F. एक लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, जो कि पैरेलल है किसके, ए बी के, इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमको ये दिखाना है कि ये जो एफ है वो बी सी का मिड पॉइंट है, ये हमें शो करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ हियर यू सी इन दिस फिगर ए बी सी डी इज अ गिवन ट्रेपेजियम, ये सब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इन विच ए बी पैरेलल डी सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सच दैट इट इंटरसेक्ट साइड बी सी, ये जो ई है बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट एफ, सो लेट द लाइन इंटरसेक्ट डायगोनल बी डी एट पॉइंट जी, ये जो लाइन है डायगोनल बी डी को जी पर इंटरसेक्ट करती है, ये हम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। Now see in triangle DAB, DAB, okay. EF through point E is drawn parallel to AB. Here you see E जो है, ये जो E line है ना, AB के parallel draw की गई है। इस triangle में देखें DAB में E line जो है ना, वो AB के parallel draw की गई है, ठीक है, और यहाँ G जो है मिड पॉइंट हमने किसका लिया है, DB का, ठीक है। सो हेयर यू सी AB पैरेलल DC, ये तो है गिवन है ना, एंड AB पैरेलल EF ये भी गिवन है हमें, ठीक है। सो हेयर यू सी दोनों, इसको हम कंपेयर करें तो AB AB दोनों में है, ठीक है, AB DC के भी पैरेलल है और AB EF के भी पैरेलल है, तो DC भी EF के पैरेलल होगा, ठीक है। DC भी यहाँ देखें आप, DC is also parallel to EF. Okay? Sides parallel to same sides are parallel. तो ये चीज हमने पहले देख ली कि एंड जी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड DB. जी जो है DB का मिड पॉइंट है ना, ये हमने पहले देख चुका, प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। दस F इज विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, जब ये पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है इसके, है ना, तो ये लाइन भी यहां देख सकते हैं, ए बी का मिड पॉइंट ई दिया हुआ है, और जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी एफ बी जो है वो बी सी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स जो है ना, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स अगर उनको ज्वाइन किया जाए तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, इन दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ गिवन क्वाड्रिलेटरल, ओके, इन विच पी क्यू आर एंड एस, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसे ड्रॉ किया है। ओके, पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ओके, लाइन सेगमेंट पी आर एंड क्यू एस intersect each other at O. Okay, now join PS, SR, RQ, QP and BD. Okay, so let's start. Now see in triangle ABD. ABD, ये बड़ा triangle लिखते हैं. In triangle ABD, here you see PS parallel BD. पी एस जो है वो पैरेलल किसके है, बी डी के है। इस ट्रायंगल के अंदर देखें एक लाइन और दिख रही है यहाँ,
है ना, तो हमें पी एस बी डी के पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ ये क्या है, पी एस जो है हाफ है बी डी का, आप देख सकते हैं बी डी का हाफ, छोटी लाइन दिख रही है यहाँ से, इतने का देख सकते हैं आप, ये हाफ है। ओके नाउ यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं कि पी एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए डी। ओके अगेन इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं यहाँ हम, ये वाला बी डी सी, ओके सी बी डी, इन ट्राइंगल सी बी डी, हेयर यू सी क्यू आर पैरेलल बी डी, क्यू आर पैरेलल बी डी एंड क्यू आर हाफ है बी डी का, ठीक है, देख सकते हैं क्यू आर जो है बी डी का हाफ है। हेयर अगेन यू राइट क्यू एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डी सी एंड बी सी, ओके सी डी एस डी सी, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन वन और इसे नाम दे दें हम, इसका दे दें इक्वेशन टू और इसे दे देते हैं इक्वेशन वन, ठीक है। नाउ बाय इक्वेशन वन एंड टू, यहां आप देखें पी एस बी डी के पैरेलल है और यहाँ क्यू आर भी बी डी के पैरेलल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पी एस पैरेलल क्यू आर, ओके पी एस पैरेलल क्यू आर एंड ऑल्सो पी एस इक्वल क्यू आर, यहाँ आप देख सकते हैं पी एस जो है क्यू आर के इक्वल है, ओके बाय थ्योरम 8.8 पी क्यू एंड सॉरी पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर, यहां आप देख सकते हैं कि पी एस जो है क्यू आर के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है, तो पी आर जो है वो क्यू एस को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। उससे पहले हम यहाँ पर बता दें कि जब पैरेलल भी होते हैं टू साइड्स और अपोजिट भी होते हैं, है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं आपके, पैरेललोग्राम होता है। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ओके ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टू साइड्स अगर पैरेलल हैं और वो दोनों इक्वल भी हैं तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम बाय थ्योरम 8.8। अब जब ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स भी क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ओके। दस द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ओके नाउ कंप्लीट द एक्सरसाइज।